Hey my beautiful people, welcome to my channel and I hope you all are doing great. So, आज मैं आप लोगों को Amazon का हॉल लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को शो करूंगी कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट जो कि है L'Oreal के और अभी काफ़ी टाइम से वो बहुत ही ट्रेंड पे चल रहे हैं. आप लोग काफ़ी सोच रहे होंगे कि ट्राई करें और काफ़ी लोगों ने ट्राई भी कर लिया होगा, बट मैंने तो काफ़ी टाइम से उसको ट्राई भी कर रही हूँ, सो आई कैन गिव यू द रिव्यू एज वेल. सो मैंने इसको 34 टाइम परचेज किया है अमेजोन से. सो या गाइस, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट अस गेट इनटू द वीडियो. So, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो ड्रीम लैंप करके L'Oreal के अभी कुछ टाइम हो गए हैं लॉन्च हुए इन प्रोडक्ट के. सो गाइज, ये रियल में वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है मैं कुछ पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ. दिस इज नॉट इवन अ पेड, मैंने इसको खुद परचेज किया है एंड मैंने इसको एक बार नहीं काफ़ी बार परचेज किया है. इवन मेरी फैमिली में काफ़ी लोग करते हैं एंड वन ऑफ माई दी विच हैव लॉट्स ऑफ फ्रिजी हेयर, शी केम टू मी. इस बार आई थी एंड शी वॉज लाइक चेक माई हेयर इज लुकिंग सो लाइक हेल्दी राइट नाउ. सो आई वॉज लिटरली वेरी शॉक क्योंकि उनके बहुत फ्रिजी हेयर हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे, लग ही नहीं रहा था कि मतलब कैसे हुआ है, कुछ मास्क लगाया है या कुछ ट्रीटमेंट करवाया है. सो शी वॉज सेइंग कि शी इज़ यूजिंग दिस कंडीशनर L'Oreal ड्रीम लैंड का कंडीशनर और शैम्पू यूज़ कर रही है जिनसे उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. सो आई वॉज L'Oreal पैरिस ड्रीम लैंड का कंडीशनर है दो, ठीक है, ये दो कंडीशनर है एंड यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा है वो है ड्रीम L'Oreal ड्रीम लैंड का नो हेयर कट क्रीम. मतलब इट्स लाइक यू कैन से मास्क जो कि आपने लाइक हेयर वॉश करने के बाद लगाना है जिससे आपके स्प्लिट एंड्स वगैरह के इश्यूज नहीं होंगे एंड आपके जो स्ट्रेट होंगे, फ्रिजीनेस जो भी होगी ना, टिप जो होंगे गंदे हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. लॉन्ग हेयर्स मेनली जिनको बहुत दिक्कत होती है, लॉन्ग हेयर्स होते हैं तो वो उनके लिए है ये नो हेयर कट क्रीम. सो इट्स लाइक मास्क जो आप हेयर वॉश करने के बाद लगाओगे, ठीक है. सो या दे वर्क रियली वेल. अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक है माई हॉल स्टोर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन चेक इट. नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर प्रोडक्ट. सो गाइस, द सेकंड प्रोडक्ट इज दिस लोशन, बॉडी लोशन एंड पैराशूट एडवांस का ये बॉडी लोशन मैं आज से यूज़ ही कर रही हूँ. जब मैं स्कूल टाइम में थी ना तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही प्यारी स्मेल है, कोकोनट मिल्क से बना है जिनकी ड्राई स्किन है उन पर बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म मॉइस्चराइजिंग लगता है, तो मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ तो आई नो कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, इसलिए मैंने ये भी अमेज़ॉन से परचेज़ किया है. बड़ा बॉटल है ये 400 ml का, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो थर्ड इज दिस मामा अर्थ का प्रोडक्ट एंड मामा अर्थ के हैव यूज लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइक शैम्पू, लाइक हेयर ऑयल एंड एवरी थिंग. सो दिस इज हेयर सीरम. सो या दिस इज लाइक, अभी मैंने इसको यूज नहीं किया, यू कैन सी ये पैक्ड है. वंस आई विल यूज इट आई विल गिव यू द रिव्यू, बट या इट्स फॉर लाइक स्ट्रॉन्ग फ्रिज फ्री हेयर. सो ये है अनियन हेयर विद अनियन एंड बायोटीन से बना हुआ ये हेयर सीरम है. तो ना द लास्ट प्रोडक्ट इज अ लाइक परफ्यूम एंड परफ्यूम में वी ऑल थिंक कि हाँ कौन से परफ्यूम होंगे जिनके स्मेल अच्छे होंगे एंड वो लो इन बजट होंगे जो कोई भी खरीद सकता होगा. तो आई विल टेल यू गाइज दिस सीक्रेट टेम्पटेशन. ये जो TMO करके एक्वा मैंने लिया है एंड इसके स्मेल बहुत अच्छे होते हैं. इसको मैं फर्स्ट टाइम नहीं, काफ़ी पहले भी यूज़ किया. और बजट की बात करें तो बहुत ही बजट फ्रेंडली है, लाइक इट्स लाइक 200 का एक बॉटल, सो इट्स लाइक वेरी बजट फ्रेंडली. सो यस, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने अमेज़ॉन से इस बार परचेज किए हैं. अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लेना माई हॉल स्टोर का, एक ही लिंक में आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे. सो या गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.